अच्छा तो इसमें भाई ने क्वेश्चन ये किया है कि आर्टिकल 88 में 6 मंथ के बाद टैक्स देना ज़रूरी है। तो भाई सबसे पहली बात आपको अपडेट करते चलें कि जब आप फाइल लॉक करते हैं पुर्तगाल में लीगल, तो इसका मतलब होता है कि आपको काम मिल गया है, ठीक है। और आप कॉन्ट्रैक्ट या एक्टिविटी, अगर आप कोई अपना काम शुरू करते हैं उसकी बेस पे फाइल लॉक कर रहे होते हैं कि मुझे पुर्तगाल में काम मिल गया है, मुझे रेजिडेंस परमिट इशू किया जाए, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल टर्म है कि आपको पुर्तगाल में काम मिल गया है तो आपने फाइल लॉक कर दी कि मुझे रेजिडेंसी चाहिए। अब आपका जो सवाल है उसकी मुझे समझ इसलिए नहीं आ रही कि आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद टैक्स देना ज़रूरी है। तो भाई टैक्स तो जब आप फाइल लॉक कर देते हैं उसी मंथ से पहले दिन से देना ज़रूरी हो जाता है, और लीगल फाइल लॉक जो आप करते हैं प्रॉपर उसमें मतलब यही होता है कि आपको काम मिल गया। हाँ मुझे पता है कि काम मिलना मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग फाइल लॉक कर देते हैं, लेकिन पहले दिन से आप एलिजिबल होते हैं और आपको टैक्स देना ज़रूरी होता है। तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी काम ढूंढें और कोशिश करें कि आपको पार्ट टाइम किसी भी तरह का काम या कोई अपना काम शुरू कर लें, टाइम वेस्ट ना करें।